इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। इस वीडियो में जो ज्ञान इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इसकी कोई कीमत नहीं है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। इस दुनिया में सभी लोग अपनी जिंदगी को जीते हैं, पर आपने कभी ये सोचा है कि ये ब्रह्मांड, ये धरती जिसमें आप चल फिर रहे हो, इसकी शुरुआत असल में कहाँ से हुई? आखिर ये ब्रह्मांड की शुरुआत कहाँ से हुई? इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक स्पेसशिप में बैठना होगा और क्लासिकल घड़ी को रोकना होगा और घड़ी को उल्टा घुमाना होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज से करीब 1 अरब साल पीछे नहीं बल्कि 13.8 अरब साल पीछे चलते हैं। अब हम लोग पहुंच गए हैं हमारा अनंत ब्रह्मांड। सब कुछ इस परमाणु से भी छोटे से गोले के अंदर जुड़ा हुआ है। इस ब्रह्मांड में जो भी होने वाली है, जो भी घटना घटने वाली है, सब कुछ इसी में है। इस ऊर्जा के अंदर जहां पर समय का कोई नामो निशान नहीं है, परंतु अभी ये दुनिया जिसे हम जानते हैं यानी धरती को, ये सब चीज़ें की शुरुआत होने वाली है। ये देखिए, एक एटम के साइज से भी छोटा ब्रह्मांड अचानक अपने आकार में आया, आपकी आंखों के सामने एक सेकंड में करोड़वे हिस्से में फैल गया। इसे ही हम कहते हैं द बिग बैंग। इस समय आप ब्लास्ट होते हुए देख पा रहे हो, ये सब ऊर्जा है, प्योर ऊर्जा। ये ऊर्जा पूरी तरह से फैल रही है, पर इसी समय स्पेस का जन्म हुआ। धीरे धीरे समय बदला, ऊर्जा करोड़ों साल तक फैलती रही। ये ऊर्जा इतने सालों में धीरे धीरे ठंडी होने लगी और फिर इसी ऊर्जा के चलते मैटर का निर्माण हुआ। इसके कारण कई सारी चीज़ों का निर्माण हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब चीज़ों का निर्माण हुआ। असल में दो तरह की चीज़ें बन रही है, पहला मैटर जिसमें ये दुनिया बनी जिसमें हम और आप रहते हैं, और दुनिया दूसरी तरफ एंटी मैटर, जो मैटर सीधा घूम रही है वही एंटी मैटर मैटर के उल्टा घूम रही है। दोनों अलग अलग घूमने के कारण मैटर ताकतवर है और एंटी मैटर कमजोर है, तो मैटर एंटी मैटर को खत्म कर दिया है। अब ब्रह्मांड केवल मैटर का राज है। अब इस ब्रह्मांड में मैटर को खत्म करने के लिए कोई चीज नहीं बची है। अब तो इस ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ मैटर का राज है। अब इस ब्रह्मांड में मैटर का बड़ा सा गोला बचा हुआ है। धीरे धीरे समय बीता और एक समय ऐसा आया कि मैटर ब्लास्ट कर गया। इसी एक गोले के अंदर तारे और ग्रहों वाला ब्रह्मांड बनने वाला है। उस मैटर के ब्लास्ट होने के बाद धीरे धीरे सब कुछ ठंडा होने लगा। ठंडा होने के बाद मैटर के कण सभी को अपनी ओर खींचने लगी। शुरुआत में इस ब्रह्मांड में ज्यादातर हाइड्रोजन के एटम एग्जिस्ट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की जगह जगह उस हाइड्रोजन के एटम को आपस में कंप्रेस करने लगे। जिस जगह हाइड्रोजन के एटम गुरुत्वाकर्षण बल के चलते सामने आते थे, उस जगह का तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता है। कंप्रेस होते होते एक जगह की टेम्परेचर लाखों डिग्री तक पहुंच गए। कंप्रेस होते होते जब एक जगह की टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्री तक पहुँच गई, तब एक प्रोसेस शुरू होने लगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकलने लगी। उसी समय एक ऐसा दृश्य हुआ, एक ब्रह्मांड का पहला तारा बना। पहला तारा बनने के कारण धीरे धीरे बहुत तारे बनने लगे। यही तारे जो आप आसमान में देखते हैं, इसी तरह धीरे धीरे अरबों गैलेक्सीज का जन्म हुआ, यानी आकाश गंगाओं का जन्म हुआ। ऐसी गैलेक्सी बनी जिसमें हम और आप अभी मौजूद हैं। इस गैलेक्सी को मिल्की वे कहते हैं। इस आकाश गंगा के अंदर तारे मौजूद हैं। ब्रह्मांड में जो डस्ट बचे थे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, डस्ट आपस में मिलने लगे। डस्ट आपस में मिलने के कारण धीरे धीरे ग्रहों का निर्माण होने लगे। सारे एस्ट्रॉयड जैसे दिखने वाले टुकड़े गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में मिलने लगे। धीरे धीरे एक खूबसूरत सा ग्रह भी बनने लगा जिसका नाम है धरती, जिसमें हम और आप रहने वाले हैं। मैं आपको तारे के निर्माण के बारे में बताया था। यहाँ भी कुछ बचे हुए हाइड्रोजन के एटम ये छोटा सा तारा बनने लगा। सारे हाइड्रोजन आपस में करीब आने लगे। धीरे धीरे टेम्परेचर इतनी बढ़ी
कि सूरज का निर्माण हुआ। अब हमारे सौरमंडल में सूरज जैसे एक बड़ा तारा बन गया है। इस तारे के बनने के कारण सौरमंडल में इतने भी बचे कुछ डस्ट है सब दूर चले गए और सौरमंडल में वही ग्रह बचे हैं जो कि साइज में बड़े हैं। तो दोस्त यही है हमारी धरती बनने की कहानी। दोस्त ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले घंटे को प्रेस कर देना ताकि साइंस से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके।